किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए। और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है। मूलतः यह होता है कि गवर्नर के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बुम्बई का, उस बुम्बई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि गवर्नर का एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है कि किसी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर ने एमएलएस की परेड नहीं करना है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना है। तो हो सकता है कि उसके आधार पर उस समय गवर्नर ने यह निर्णय लिया हो। अब यह निर्णय सही है कि गलत है यह सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया ये गवर्नर साहब बता सकते। लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुए हुई जो प्रोसेस है स्टेटस को एंटे ये नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है। और जहां तक व्हिप का सवाल है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है, तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं कह सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है, पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है। और अब इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करना ये गलत होगा। अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था,